पिछले वीडियो में आपने देखा कि ओस्मोन पावर स्पीड वैक्यूम क्लीनर ने कितनी अच्छी तरीके से फ्लोर की सफाई की, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसके दूसरे यूजेस के बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्लीज प्रेस करें, ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाए। आज के इस वीडियो में हम इसके सारे टूल्स को देखेंगे और इन टूल्स को कैसे अटैच किया जाता है वो आपको बताऊंगी और उसके सारे फंक्शंस को बताऊंगी। तो ये है होस पाइप। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसे किस तरीके से लगाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इसको इस तरीके से पीछे साइड में इसको लगा देंगे और ये इसका हैंडल है जिसको हम इसमें गन के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ये है इसका एक टूल जो हम सोफ़ा क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये दूसरा टूल है जिसे हम जाले वगैरह दीवार के साफ़ कर सकते हैं। ये तीसरा टूल है जिसमें अगर ज़्यादा गंदगी अगर जमी हो कहीं पे तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसे लगाते हैं और सोफ़ा क्लीन करते हैं। तो इसे हम हैंडल पे अटैच कर रहे हैं और इसे अटैच करना बहुत ही आसान है। अब इस सोफ़े के डस्ट को हम क्लीन करेंगे और आप देख पाएंगे कि कितनी आसानी से और अच्छी तरीके से क्लीनिंग हो रही है। तो चलिए अभी इसे ऑन कर दिया है। दोस्तों, ये डस्ट अभी अभी सोफ़ा से निकला, आप देख सकते हैं, जो नॉर्मली हमें दिखाई नहीं देता है। अब मैं यहाँ पे दूसरा प्रकार का टूल यूज़ कर रही हूँ और इसे आप इस प्रकार से लगाएं। ये है मेरे स्लाइडिंग विंडो का गाइड जो कि काफ़ी धूल मिट्टी से भर गया है और इसे मैं इस तरीके से क्लीन करूँगी इसकी मदद से। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से क्लीन हो गया है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी है क्लीन करने में। यह है इसका तीसरा और आखिरी टूल जिससे हम जाले वगैरह दीवार के क्लीन कर सकते हैं। तो इसको मैंने इस तरीके से फिट कर दिया है। दोस्तों, इसका जो होस पाइप है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, जितना चाहो आप उतना ऊपर कर सकते हो इसको। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इतना सारा डस्ट जो है वो जमा हो गया जो नॉर्मली हमें आंखों से नहीं दिख रहा था। तो इससे पता चलता है कि इसकी क्लीनिंग जो है वो कितनी अच्छी और एक्यूरेट है। इस डस्ट कप को आप इस बटन के द्वारा निकाल सकते हैं प्रेस करके। इसमें जो जमा हुआ कचरा है उसको निकालने के लिए बस यहाँ पर जो बटन दिया गया है उस बटन को हमें प्रेस करना है और सारा कचरा खुद ब खुद नीचे से बाहर निकल जाएगा। इसकी MRP की बात करते हैं दोस्तों, इसकी MRP है 7,990 रुपीज़ की, लेकिन बहुत ही भारी डिस्काउंट में आपको मिल जाता है 6,883 रुपीज़ में। ये प्रोडक्ट Amazon पर अवेलेबल है। इसकी बेस्ट बाइंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और भारी डिस्काउंट में इसे आप अपना बना सकते हैं। तो देर किस बात की दोस्तों, अभी इसे ऑर्डर करें। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, उससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।